आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य करने वाले हैं। पृष्ठ संख्या 49। पहले हम ये कहानी पढ़ चुके हैं, कौवा और बटेर वाली। आप सब लोग पढ़ चुके हैं ना, कौवा और बटेर वाली कहानी सबने पढ़ी, धूर्त मित्र वाली कहानी। इसी के आधार पर हम आज प्रश्न उत्तर हल करेंगे। कौवा और बटेर कौन थे, ये मौखिक उत्तर आपको देना है अपने माता पिता को। दोनों मित्र थे ना, भोजन की तलाश में दोनों ने कहाँ जाने की सोची और नजदीक के गांव में पहुंचकर उन्होंने क्या देखा। इन तीनों प्रश्नों के मौखिक उत्तर हमको माता पिता को देने हैं। दही वाला कहाँ जा रहा था, ये लिखित उत्तर है, ये आपको यही लिखना है। दही वाला अगले गांव दही बेचने जा रहा था। जब भी हम उत्तर लिखेंगे तो मात्रा का ध्यान जरूर रखेंगे। दही वाला मार्ग में कहाँ और क्यों ठहर गया। दही वाला मार्ग में एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने ठहर गया। दही वाले ने मटके के मुंह पर क्या रख रखा था। दही वाले ने मटके के मुंह पर एक तश्तरी रख रखी थी। कौवे ने मटके में दही देखकर बटेर से क्या कहा। कौवे ने बटेर से कहा, मित्र उस आदमी के मटके में स्वादिष्ट दही है। बटेर ने कौवे को क्या करने से रोका। बटेर ने कौवे से कहा, दही वाला तुम्हें पकड़ लेगा। दीवार पर बैठे कौवे और बटेर को देखकर दही वाले ने क्या किया। दीवार पर बैठे कौवे और बटेर को देखकर दही वाला समझ गया कि दही कौवे ने खाया है, तो उसने गुस्से से एक पत्थर मारा। पत्थर किसको लगा। दही वाले को पत्थर फेंकते देख कौवा उड़ गया और पत्थर निर्दोष बटेर को जा लगा। अब हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कहां से करनी है, ये हमारी पुस्तक में से ही करनी है ना, इसी अभ्यास में से करनी है। कौवा और बटेर घनिष्ठ मित्र थे और यहां पर भी ऊपर हमको दिए हुए हैं। दही वाले ने अपने मटके को कपड़े से ढका नहीं था। मित्र उस आदमी के मटके में स्वादिष्ट दही है, उसे मीठे दही का स्वाद बहुत पसंद आया। बटेर कौवे को बार बार चेतावनी दे रहा था। पत्थर कौवे को न लगकर निर्दोष बटेर को जा लगा। ये वाक्य किसने किससे कहे, हमको ये हल करना है। मित्र उस आदमी के मटके में स्वादिष्ट दही है, कौवे ने बटेर से। मित्र अब तुम दोबारा ऐसा मत करो, बटेर ने कौवे से। मैं मटके के पास उसके पीछे से जाऊंगा, कौवा बटेर। अपनी चोंच में दही भरकर झट से उड़ जाऊंगा, कौवा बटेर।